माघ माह की चतुर्थी के अवसर पर सोमवार को उज्जैन स्थित भगवान चिंतामन गणेश मंदिर पर 1.25 लाख तिल के लड्डुओं का भोग लगाया गया। सोमवार को पूरे दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। माघ माह की चतुर्थी को तिल चतुर्थी भी कहा जाता है। भगवान गणेश को तिल और गुड़ के लड्डुओं का भोग लगाने का विशेष महत्व माना गया है। चिंतामन मंदिर के पुजारी पंडित गणेश गुरु ने बताया कि आज सुबह करीब 4 बजे से मंदिर में पंचामृत पूजन और अभिषेक आरंभ हुआ। इसके बाद भगवान की प्रतिमा का विशेष श्रृंगार और आरती कर गर्भगृह में श्रद्धालुओं के लिए प्रवेश बंद कर दिए गए। मंदिर परिसर में 8 ब्राह्मण गणपति अथर्वशीष के सहस्त्र पाठ किए जा रहे थे। इसके अलावा सुबह 10 बजे मंदिर परिसर में विशेष हवन पूजन और 1000 लड्डुओं की आहुति दी गई। मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा दर्शन किए गए। इसके मद्देनजर प्रशासन और पुलिस द्वारा विशेष इंतजाम किए गए। अपन चिंतामन गणेश मंदिर में भगवान गणपति के दरबार में गणेश जी के दर्शन कर रहे हैं और वर्ष में जो चतुर्थियाँ होती हैं उसमें से 4 चतुर्थियाँ बड़ी मानी जाती है। उसमें से माघ मास की जो शुक्ल पक्ष में गिरने वाली चतुर्थी, उसको तिल चतुर्थी के नाम से मनाते हैं। चिंतामन गणेश में आज तिल उत्सव का पर्व मनाया जा रहा है और सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरण भी किया जा रहा है। तिल का, तिल के गुड़ और लड्डू का विशेष महत्व है इस चतुर्थी पर। जो श्रद्धालु आते हैं भगवान को गुड़ तिल के लड्डू चढ़ा करके अपने मनोकामना सिद्धि के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। उनका कार्य सफल हो, उनके कार्य रुके हो, उन कार्यों में उनको सिद्धि प्रदान हो और वर्ष अच्छा व्यतीत हो, उसके भगवान को गुड़ और तिल के लड्डू भोग लगाकर भगवान से प्रार्थना की जाती है। लगभग कितने लड्डुओं का भोग लगाया गया? आज 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया है जो शाम तक श्रद्धालुओं को वितरित किया जाएगा। और किस तरह से विशेष पूजा अर्चन चल रहा है? नियमित क्रम में भगवान का सुबह जो है 20 मिनट से चोला चढ़ाया गया था, उसके पश्चात दर्शन श्रद्धालुओं को भेंट देते हुए प्रवेश जो बाहर से किया जाता है उसमें विशेष श्रृंगार किया जाता है। जो राशि श्रृंगार भगवान का किया जाएगा वो श्रृंगार चल रहा है। श्रृंगार के बाद में श्रद्धालुओं को उसका दर्शन। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।